हेलो जहन साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप विज्ञान में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का कुछ दिन पहले रिजल्ट आ चुका है, जिसको जो लगभग 8 अप्रैल को आया था, उसको कई दिन हो गए रिजल्ट को आए। और जब से वो रिजल्ट आया है, देखिए उस रिजल्ट ने, आपको पता है, कोई सा भी रिजल्ट हो दो चीज़ें देता है, एक तरफ तो खुशी देता है और एक तरफ वो दुख देता है। सीधी सी बात है, खुश वो होंगे जिनका रिजल्ट में नाम आ गया है और दुख वो होंगे, दुखी वो होंगे जिनका उस लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो उसी को लेकर के जिन भाई बहनों का लिस्ट में नाम नहीं आया है वो परेशान है, वो सभी होते हैं। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी होता, वो सभी परेशान है कि क्या दोबारा लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट आएगी। तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हम बेस्ट बुक की बात करें तो वो आपकी चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, उनको भी आप खरीद सकते हैं। और ये सभी बुक आपको ऑनलाइन लेनी हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। और ये सभी बुक आपके किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या इसकी सेकेंड लिस्ट आएगी। पहली बात तो यह है कि ये जो मेरिट आई है, इसमें अगर हम देखें अपने आसपास की, जैसे कि यूपी की, राजस्थान की, उनकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा चली गई है। तो इस वजह से कुछ भाई बहन परेशान हैं, जिनको लग रहा था कि मेरे इतने नंबर हैं आसपास के, शायद आ जाएगा, उनका अभी नहीं हो पाया है। ठीक है, तो सेकंड लिस्ट की देखो मैं बात करूँ, सेकंड लिस्ट लगती कब है? ऐसा नहीं है कि सेकंड लिस्ट लगती ही लगती है हर एक एग्जाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड लिस्ट तब लगती है जब डिपार्टमेंट को यह लगता है कि जितने भी लड़के और लड़कियां हमने पास किए हैं एग्जाम में, वो उनका प्रोसेस जब लगता है कि हमारा प्रोसेस अब चल रहा है, लेकिन इस प्रोसेस में हमें पूरे कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे वैकेंसी के हिसाब से, क्योंकि कुछ फेल भी होने हैं। ठीक है, तो इस वजह से अगर उनको लगता है कि जितने हमने पास किए हैं इनसे बात नहीं बनेगी, तो उसके बाद वो सेकंड लिस्ट निकाल दें। ठीक है, उसके बाद वो सेकंड लिस्ट निकाल दें, ना कि पहले से ही बना के रखते हैं। वो तो रिजल्ट ही उस हिसाब से तैयार करते हैं कि उन्हें सेकंड लिस्ट निकालनी नहीं पड़े। लेकिन ये सेकंड लिस्ट का जो ये काम होता ना, ये बाद का होता है कि जब आपका प्रोसेस चल रहा है, उन्हें लगे कि लड़के लड़कियाँ कम पढ़ सकते हैं कैंडिडेट, उसके बाद निकालते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इसमें निकलेगी या नहीं निकलेगी, ये तो तभी पता चलेगा जब उनको ये लगेगा ना कि हमारे पास जो कैंडिडेट हमने जो पास किए हैं, लगभग पास वाले कैंडिडेट की इसमें जो संख्या है वो लगभग कुल मिला के, जैसे कि मेल है, फीमेल है और भी कैटेगरी के हैं, तो लगभग वो 4 लाख के आसपास है। ठीक है, और इसमें वैकेंसी 50,000। ठीक है, वैकेंसी इसमें 50,000 के आसपास और इसमें पास किए हैं 4 लाख। और इसमें हो सकता है कि ये, क्योंकि फेल भी बहुत होंगे और ज़रूरी नहीं कि सारे फेल हों, तो इस वजह से सेकंड लिस्ट आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक कड़वा सच बता दूं, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अभी तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है कि इसमें आएगी या नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं एसएससी की पिछली वाली भर्तियों पर। ठीक है, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसके चक्कर में रह न जाएं कहीं सेकंड लिस्ट के चक्कर में, और आपके जो दूसरे एग्जाम है वो भी आपके हाथ से निकल जाएं। तो इस वजह मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात बताऊँ, जो एसएससी की एक 2015 की भर्ती आई थी, ठीक है, एक एसएससी की 2018 की भर्ती आई, ठीक है, और एक आई 2021 की। ठीक है, अभी तीन वैकेंसी हो गई, 2015, 2018, 2021, तीनों वैकेंसी में, अब ध्यान से सुनना, तीनों वैकेंसी में कोई भी सेकंड लिस्ट नहीं आई। और सबसे बड़ी बात, वैकेंसी खाली गई इसमें भी और इसमें भी, फिर भी तीनों में से किसी में भी कोई भी सेकंड लिस्ट नहीं आई। और इन सभी के कैंडिडेट जो बच्चे थे जिनका नंबर नहीं आया, जो जो इंतजार कर रहे थे उसका, किसका, जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी उसका, सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, वो सभी आज के टाइम पे उनका केस चल रहा है अभी भी। ठीक है, इसमें भी केस चल रहा है और इसमें भी, सब में केस चल रहा है कि हमारा कहीं ना कहीं केस ही क्लियर हो जाए तो हमारी लिस्ट आ जाए। ठीक है, और हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे, अगर वो इस केस के चक्कर में नहीं पड़ते, इस मेरिट लिस्ट जो सेकंड लिस्ट आने वाली है इसके पीछे नहीं पड़ते, तो शायद उनका कहीं ना कहीं हो भी जाता। ठीक है, तो इस वजह से आप इसके चक्कर में न पड़ें। मेरी आपसे बस यही विनती है कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, उससे अच्छा है कि आपको जो दूसरे एग्जाम देने हैं उनकी तैयारी करें। अगर मान के चलो कि आपकी सेकंड लिस्ट आई, अगर आ गई तो उसको आप रोक भी नहीं पाओगे, तो आनी है तो फिर आएगी। अगर ये कम बच्चे पढ़े तो फिर आपको पता चल जाएगी, वैसे भी आई तो आपके कुछ करने ना करने से क्या हुआ। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आप अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी करें। ये हार जीत चलती रहती हैं। ठीक है, सबसे बड़ी हार वो होती है जब हम अपने आप खुद हार मान लें और हम रुक जाएं, बिल्कुल पढ़ाई करें नहीं। अभी इसमें एक लिस्ट में नाम नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। ठीक है,
आप हार तब मानते हैं मेरी नज़र में, हारना वो होता है जब आप बिल्कुल अपना प्रयास करने से रुक गए। आप अपना प्रयास करने में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप हारे नहीं हैं, ठीक है। और कब आपका सूरज उग जाएगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। एक दिन ऐसा आएगा आपका किसी न किसी लिस्ट में आपका नाम जरूर होगा अगर आप लगातार तैयारी करते रहे तो। दोस्तों मुझे बस यही जानकारी देनी है आप सभी के लिए कि इस सेकेंड लिस्ट के चक्कर में न पड़े, आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करें। इसी तरीके की जानकारी अगर कुछ और भी चाहिए, कोई और डाउट रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे बस यही जानकारी देनी थी आज आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।